नमस्कार बच्चों, आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने योजनाबद्ध शहरों के लिए प्रसिद्ध था। इस सभ्यता का विस्तार 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। ये इस समय विकसित थे, ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, भगवान यीशु के जन्म से पहले की घटना। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके साथ साथ इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो हड़प्पा था। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सिंधु सभ्यता के पश्चात जो भारत में सभ्यता विकसित हुई थी वो थी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में चार वेदों की रचना की गई थी, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी सबसे पहला रचित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और ये सबसे बड़ा वेद भी है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद देवताओं की स्तुति यानी प्रार्थनाओं का संकलन माना गया है। यजुर्वेद क्रमकांड प्रधान ग्रंथ माना गया है, कि भगवान को खुश करने के लिए किस प्रकार हवन व्रत रखे जा सकते हैं। और यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की शुरुआत अमावस्या से लेकर 15 दिन तक होती है, और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक होती है। तीसरा जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे जुड़ा हुआ है? अंधविश्वास और जादू से जुड़ा हुआ है। इसमें विधि बताई गई है किसी को वशीकरण में करने के लिए किस तरीके का प्रयोग किया गया है। फिर है आपका सामवेद। सामवेद गायन से जुड़ा हुआ है, संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल के गांव लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया नामक स्थान पर हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया नामक स्थान पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। वैदिक सभ्यता के पश्चात ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई, या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सर्वप्रथम खोजा गया शहर कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया स्नानाघर की विशेषता पूछी गई है, कि बड़े स्नानाघर कहाँ की विशेषता थी, यानी किस स्थल पर बड़े स्नानाघर की खोज की गई थी? आंसर है इसका मोहन जोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह माना गया है कि यह शहर 7 बार बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था?
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध जो थे वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ थे, जिसमें वो लोथल बंदरगाह का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी के सबसे पहला जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सहानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित था? हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित था? सिंधु सभ्यता की ये विशेषता है कि उसमें खोजे गए शहर किसी न किसी नदी किनारे बसाए गए थे। तो क्वेश्चन यही था कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित था? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित था। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो। हिंडन, हिंडन नदी के पास कौन सा था? आलमगीरपुर। और घाघर नदी के किनारे बसा हुआ था कालेबंगा। हिंडन, हिंडन नदी के पास जो बसा हुआ था वो था आलमगीरपुर, जिसे वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक नदी कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक नदी कौन सी थी? ऑप्शन बी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का प्रयोग कई बार किया गया है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया और यमुना नदी का प्रयोग 3 बार किया गया। ऋग्वेदिक काल में जो पवित्र पशु माना गया वो गाय, और उनके प्रमुख देवता थे इंद्र, अन्य थे अग्नि और सोम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक देवता इंद्र भगवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैदिक युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु थी गाय।